परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम मनन करने जा रहे हैं लुका का 17 अध्याय उसका 20 से लेकर 37 तक। इस अध्याय में हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में लुका इस अध्याय में हमें दो विषय के बारे में सिखा रहा और हमें बता रहा है ईश्वर का राज्य क्या है और ईश्वर के राज्य का सदस्य कौन हो सकता है। इस अध्याय हम देखते हैं जो फरीसी लोग हैं पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। योना बपतिस्मा देने वाला यह घोषणा करता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। वैसे ही यीशु मसीह बार बार परमेश्वर के राज्य के आगमन के निकट की शिक्षा देते रहे। लुका इस सुसमाचार में कई बार हमें कोई कोई वचनों पर वो जोर दे रहा है। इसको हम देखने जा रहे हैं कि अंतिम दिन दिनों के चिन्ह के बारे में क्या होगा इसके बारे में हम देखेंगे। अंतिम दिनों के चिन्ह जो साइंस है इसके बारे में बहुत सारे चिन्ह को हमने बाइबल में देखा है। कई प्रकार के चिन्ह हमने के बारे में पढ़ा है, कई प्रकार के हमने सुना है, पर यहाँ पे जो लुका हमें कुछ बातों की ओर लेके जा रहे हैं इसको हम देखने जा रहे हैं। लुका का 17:20 में जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा तो उसने उनसे कहा उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। फारसी लोग जो थे वो परमेश्वर के पास यीशु मसीह के पास आके बोलने लगे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। वो बहुत ज्ञान वाले लोग थे जो परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आते हैं और वह कहते हैं यीशु मसीह से कि परमेश्वर का राज्य कब आने वाला है, कब आएगा वो राज्य। उनको लगता था परमेश्वर का राज्य बहुत कैसा होना चाहिए, वो सोचते होंगे कि परमेश्वर का राज्य कैसा होगा। तो वो आके परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा होगा। जैसे हमने योना बपतिस्मा देने वाले से सुना कि यीशु के आने से पहले वो कह दिया उन्होंने लोगों का मन फिराओ, फिर आने का सुसमाचार के बारे में बताया स्वर्ग का राज्य निकट है मन फिराओ। जैसे योना बपतिस्मा कहता है मन फिराओ का सुसमाचार उन्होंने दिया, मन फिराने का सुसमाचार उन्होंने उनके द्वारा वचनों के द्वारा निकला। जब यीशु मसीह दुनिया में आए उन्होंने भी साफ साफ कह दिया परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। जैसे योना कहता है तो मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, वैसे ही परमेश्वर जब इस दुनिया में है उन्होंने भी साफ साफ कह दिया परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर 21वें वचन में लिखता है लुका और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में है परमेश्वर का राज्य। मतलब कि जिसके पास यीशु मसीह हैं, जिन्होंने उनको ग्रहण किया है, जिनका मन उनके ऊपर विश्वास करता है, यीशु मसीह के वचनों पर वो चलता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका है। विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जाता है। हम भी इसके राज्य में राज्य के भागी हो जाते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों पर दिए हुए रास्ते पर चलते हैं। विश्वास के द्वारा हम इसको ग्रहण करते हैं। आज भी बहुत लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनको भी यही, बहुत लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, बहुत लोग उनकी बातों में मानते नहीं हैं। अंतिम दिन से पहले लोग क्या कहेंगे, यीशु यहाँ है, यीशु वहाँ है, इस प्रकार की अफवाह फैलाई जाएगी। कोई के कहेंगे कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे ही परमेश्वर ने भेजा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम की उधर उधर हमें देखी जाएगी। आज हम देखते हैं लोग कहते हैं मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मुझे ही परमेश्वर ने भेजा गया इस दुनिया में।
ऐसी अफवाह फैल ली जाएगी और फैल रही है। हम देखते हैं आज इस दुनिया में, आज भी हम कलीसिया में देखते हैं इस प्रकार की बातों को देखते हैं। हमारे कलीसिया में यीशु मसीह हैं, तुम्हारे कलीसिया में नहीं है। हमारे कलीसिया में यीशु मसीह आते हैं, हमारा कलीसिया सच्चा है। हमारे कलीसिया में यीशु मसीह का आगमन होता है। हम देखते हैं, बहुत लोगों से सुनते हैं सब कलीसिया कलीसिया के बीच में, पर यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ कह रहे हैं, ना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे मध्य में है। राज्य के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं थी, राज्य यीशु में देखा जाता है। फिर 23 में लिखते हैं, लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ या देखो यहाँ, परंतु तुम चेले ना जाना और उनके पीछे हो लेना। तुम यहाँ पे मत चले जाना या वहाँ मत चले जाना, परंतु तुम उनके पीछे ना हो लेना। फिर 24 में लिखता है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कूद कर आकाश की दूसरी ओर से चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। पहले वो लिखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे कि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर है, पर ऐसा गलत है। ये लोग परमेश्वर की इच्छा को ना बता के अपनी इच्छा को बताएंगे। यीशु मसीह के पीछे ना, पर खुद के पीछे वो आने के लिए कहेंगे। खुद की आराधना, खुद की प्रशंसा की बात करना करेंगे, ना कि प्रभु की। ऐसे कैटेगरी से हमें दूर रहने के लिए बात कर रहे हैं, ऐसी कैटेगरी से हमें बचने के लिए कह रहे हैं, ऐसे लोग से हमें दूर हटने के लिए कह रहे हैं, कि ऐसे लोग के पीछे हम गलती से ना पड़े जाए। अगर हमारे अंदर वचन सही है, हमारे अंदर अगर वचन स्ट्रांग बना है, अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो हमें इस रीति से हम किसी और के बहकावे में, किसी और के बातों में ना आकर उनके पीछे हो सकते हैं। क्योंकि हमें परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग हैं। मत्ती 24:5 में लिखा गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत को भरमाएंगे। भरमाने का काम कहाँ से आता है हमें पता है। अगर हम वीक हैं, हमारे वचनों में स्ट्रांग नहीं है, तो हमें भरमाया जाएगा, हमें भरमा के लोगों के पीछे लेके जाया जाएगा। आज भी लोग देखते हैं, लोग भरमा के लोग उसको लोग अपने पीछे ले लेते हैं। भरमा के लोग अपने पीछे आने के लिए कहते हैं, उनकी प्रशंसा करने के लिए कहते हैं, झूठे वचन, झूठे वायदे, झूठे रीति से वो ऐसा काम करते आते हैं। पर परमेश्वर हमें यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, उनके पीछे ना जाना, उनके पीछे ना हो लेना। हमें साफ साफ वो कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, और अंतिम दिनों में ऐसा चीज़ें हो ही जाएगी। इसलिए परमेश्वर हमें इससे वार्निंग दे रहा है, इससे वार्न हमें वार्न कर रहा है। फिर वह लिखता है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की ओर से कंधर कर आकाश की दूसरी ओर में चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिनों में प्रकट होगा। एक बिजली जैसे आकाश में फ्यू सेकंड में गायब हो जाती है, लेस देन सेकंड, वैसे ही परमेश्वर का आगमन होगा। ऐसा ना होगा कि यीशु मसीह जब आएंगे तब हम तैयारी कर लेंगे, ताकि मैं भी उस राज्य के भागी बन जाऊं। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बिजली को देखते हैं, वो अचानक चमकती है और लेस देन सेकंड लगता है उससे एक जगह से वहाँ पे जाने में चली जाती है। वो हमें कहीं छुपने का मौका तक नहीं पाते। जब बिजली गिरती है, ऐसी अचानक बिजली आके गिर जाती है कि हमें कहीं, हमने देखा है कि बारिश में जब बिजली गिरती है तो हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता कि हम कहीं जाके छुप सकें, वो अचानक आके गिर जाती है। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में दिया यहाँ पे लिखा जा रहा है, वो बिजली के रूप में, बिजली के जैसे आकाश से बिजली गिरती, वैसे ही वो आएंगे और हमें, हमारे पास वो समय नहीं होगा कि हम तैयारी कर पाएँ। हमें पहले से प्रिपेयर रहने के लिए वो यहाँ पे लिखा जा रहा है।
जब वो प्रकट होंगे तो हमें इसके लिए तैयारी करना है। ऐसा नहीं हो कि हम लास्ट दिन की लास्ट समय में हम तैयारी करने बैठ जाएं, जब बिजली आए और परमेश्वर जब आए तो हम बिना विदाउट रेडी बिना तैयारी के साथ हम यहाँ पे उनके सामने खड़े हों, ऐसा ना हो। वो पहले समय आगे रहना, पहले समय प्रिपेयर रहना है। लास्ट टाइम हमें कोई प्रिपरेशन नहीं की, नहीं पहले समय तैयारी करके चलना है। यीशु मसीह आएंगे, बिजली के समान वो आएंगे और हमें रेडी रहना है। अगर हम रेडी नहीं रहेंगे तो दंडित किया जाएंगे, अगर हम रेडी रहेंगे तो हमें एक हमारे लिए जो गिफ्ट्स रखेंगे, जो परमिशन हमारे लिए जो रखा है उसको हम प्राप्त करेंगे, नहीं तो हमें भी उस जजमेंट की ओर गुजरना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर हम कहते हैं कि रेडी रहना, प्रिपेयर रहना। नीति वचन 22:3 में लिखता है, चतुर मनुष्य विपत्ति की ओर देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आकर बढ़कर दंड भोगते हैं। फिर लूका का 26:27 में लिखा जाता है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। जब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया, लोग इतने बिजी हैं जो परमेश्वर को याद करने रह जाते हैं। लोग इतना अपने वर्क में, इतना कार्य में लग जाते हैं, अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, अपने काम में इतने मस्त हो जाते हैं। लेकिन लू के दिनों में हम देखते हैं, लू परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता था, ने परमेश्वर के आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की बातों को माना, वही रास्ते भी वो चलता रहा। जैसे परमेश्वर रास्ता दिखाता रहता था वैसे ही नू उसी रास्ते पर चलता रहता था। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलते रहता था, अनुसार वो चलता रहता था, उनकी बात वो सुनता था, लोगों को बचने के लिए बोलता था, लोगों को वार्न करता था कि उनकी बात मान ले, पर लोग ने उनकी बात नहीं मानी, लोगों ने उनकी बात को इनकार किया, इग्नोर किया लोगों की बात को। और फिर क्या होता है, हम एक इस जल प्रलय को देखते हैं जो वहाँ पर आता है और लोग डूब जाते हैं, लोग हेल्प मांगते हैं, बट वो समय चले जाता है। जल प्रलय ने आकर इन सबको नाश कर दिया। जब परमेश्वर रेडी रहने के लिए कहते हैं, परमेश्वर जब अपने कहते हैं तब हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम उनसे दूर भागते रहते हैं, हम उनसे उनकी कही वो बात पे नहीं चलने लगते हैं। हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, इस बात को बाद में ग्रहण कर लेंगे, बट अपने वर्क में अपने कामों में इतने लोग बिजी हो जाते हैं, खाने पीने में, यहाँ पे लिखा जैसे खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, जब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश कर दिया, उनको समय नहीं मिला। वैसे ही 28:29 में हम देखते हैं, जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते थे, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सोदम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश में से बरसी और सबको नाश कर दिया। अब मनुष्य का पुत्र का प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होगा। लूट का परिवार बच गया, हम भी बचना चाहते हैं। अगर हम गलत राह, हम गलत जा रहे हैं तो आज ही हमें सुधरना है।
मनुष्य के पुत्र का प्रकट होने का दिन भी ऐसा ही होगा। हमें सच्चे और हमें साइन जो परमिशन हमें दिए, जो चीन परमिशन हमें बताया है, वो होना है। इसके लिए रेडी रहना है, लेट नहीं होना। जो दी गई बातें हैं मानना है। हम जो सुन के भी अगर इग्नोर करेंगे, जैसे नूह के समान हुआ, सुन के इग्नोर किया गया लोग फिर नाश हुआ तुरंत। ऐसा नहीं हुआ कि डिले टाइम मिला बट तुरंत वो हुआ। वैसे ही हमें बेस चीज़ के लिए तैयार रहना है। जो अभी हमने देखा, जो 30 के पहले वचन, वो अलग घटनाएं हैं। और जब हम अभी 30 के आगे जब देखेंगे, 30 से लेके 37 तक, हम जब 31 से लेके 37 तक जब हम देखेंगे, वो अलग बातें हैं। जैसे हमने देखा नूह के दिनों में, लूत के दिनों के समय में, जो ये सब बातें थी, नूह का और लूत की बात जो थी वो अचानक आई थी, वो यीशु मसीह के बादलों पर प्रकट होने की घटनाएं हैं। फिर जो 31 वचन में लिखा है, 31 से लेकर 33 वचन देखते हैं। उस दिन जो काट पर हो और उसका सामान घर में हो और वो उसके लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कि अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वो जीवित रहेगा। जब यीशु मसीह इस शिक्षा से चेतावनी देते हैं, जब दिन अचानक प्रकट होंगे तो उसे पाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ना पीछे हटना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ यहाँ पे खोना पड़ेगा। जो लोग वस्तुओं की चीज़ की चिंता करते हैं, जो लोग जो चीज़ काम की नहीं है, जो चीज़ हमारा यूज़फुल नहीं है उसकी चिंता करते हैं, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, भौतिक वस्तु है, उनकी चिंता करते हुए नष्ट हो जाएंगे। केवल वे लोग बचाए जाएंगे जो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। इसके बाद वो लिखता थे 32 वचन में, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। वो ऐसा क्यों कर रहा है परमेश्वर, हमें क्यों लूत की पत्नी के बारे में हमें लेके जा रहा है? जो उत्पत्ति 19:26 में लिखा, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दूस फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गए। उन्हें इसने पीछे देखा और वह नमक का खंभा बन गई। हो सकता है वो धार्मिक थी, बाहर से हो सकता है कि वो बाहर से बहुत अच्छी हो, उन्हें अच्छे काम की हो, वो मानती हो परमेश्वर को, धार्मिक हो सकती है, पर उसका मन संसारिक था। संसार की वस्तुओं में ज़्यादा मन था, अपना मन पुराने जीवन से बाहर नहीं आना चाहता था, परमेश्वर को पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं बांधती थी। जैसे उसने पीछे देखा, उसने देखा सब छूट रहा है, इसका मन वहां पे गया और वो नमक का खंभा बन गए। वो एक दुखद है, वो करीब थी, उसने अपना जीवन जी लिया था, वो करीब थी इसके पार होने के लिए, लेकिन अपना घर के लिए उसकी लालसा बहुत अधिक थी। परमेश्वर में चेतावनी देते हैं, उस दिन हम अपनी चीजों के बारे में चिंता ना करें, अपनी वस्तुओं के बारे में चिंता ना करें, वे हमारे लिए जाल बन जाएगा, वो हमें फंसा देगा, उस और उद्धार से
वो अलग कर देगा, उनसे वंचित कर देगा। फिर 34, 35 और 26 में देते हैं, वो तुम्हें से कहता है उस रात का मनुष्य एक खाट पर होगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। रात का मनुष्य एक खाट पर होगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, लेकिन एक ले लिया जाएगी दूसरी छोड़ दिया जाएगी। जो दो जन जो खेत में होंगे, लेकिन एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है रात का मनुष्य एक खाट पर होगा, एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा। एक प्रार्थना में मगन होगा, वो परमेश्वर के वचनों पर चल रहा होगा, वचनों प्रार्थना में वो प्रार्थना कर रहा होगा, और एक सो रहा होगा, वो प्रार्थना में जाग कर घुटने टेक कर प्रार्थना में लगा होगा, और एक मनुष्य जो सोकर अपना ध्यान किसी और चीज़ पे लगा के, अपना अलग मन लगा के वो जी रहा होगा। एक स्त्री जिसका मन अलग चीज़ों पर लगा होगा, एक स्त्री जिसका मन परमेश्वर की ओर होगा। दिन के समय में जो खेत में लोग होंगे, एक का मन परमेश्वर के कामों में होगा, एक का मन अपने पैसे कमाने में, अलग मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में होगा, घमंड में होगा, जैसे नूह के समान में हुआ, वो अपने परिवार के साथ जब वो बच गया और बहुत से लोग रह गए, नहीं बच पाए, वैसे ही होगा। जो इसलिए परमेश्वर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ऐसा ना हो कि हम इसमें फेल हो जाएं, हम किसी और में ही और चीज़ के पीछे ही हम लग जाए। हमें तैयार रहने के लिए परमेश्वर कहता है, हमें तैयार रहने के लिए वो कहते हैं। फिर 37 में अपने शिष्य से पूछते हैं, हे प्रभु यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गीत इकट्ठे हो जाएंगे। जहाँ लोथ है वहाँ गीत इकट्ठे हो जाएंगे। जहाँ पे हमें नहीं जाना वहाँ ये चीज़ होगी, जहाँ पे हमें नहीं सोचना वहाँ पे चीज़ होगी, इकट्ठा होंगे। जहाँ पे जो छूट गए होंगे, जिन्होंने नहीं परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया होगा, जिन्होंने परमेश्वर को नहीं माना होगा, वो रहकर वहाँ गीत इकट्ठा होके उनके ऊपर घूम रहे होंगे, उन्हें वो तड़प रहे होंगे, ख़त्म हो गए होंगे। इसलिए हम आज से हम अपने आप को स्मरण कर रखें, जब परमेश्वर का आगमन हो तो हम उन लोग में से ना हो जो खुद की चिंता करते हुए, खुद की बातों में मन लगाते, दुनियादारी चीज़ में रह के वो फंस जाए, रह जाए। बट हमें अपने मन को तैयार रखना है, हमें प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए कि हम रह ना जाए। हम लूत की पत्नी की जैसा जैसा वो पीछे मुड़ के ना देख पाए। हम आज वही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम भी आपके आपके रास्तों में, आपके विश्वास में चलना, आपके प्यार के अंदर हम चलना चाहते हैं। हम हो सकता है हमारा मन कहीं और लगा हो, बट इसको छोड़ के आपके दिए वचनों पे हम चलना चाहते हैं। हमें वो पुराना मनुष्य में नहीं रह के, पर नए मनुष्य बन के हम रहना चाहते हैं। हम पूरी तरह आपको अपना जीवन सौंपना चाहते हैं। हम संसार की वस्तु में मन ना लगा के आपकी वस्तु, आपके वचनों पे मन लगाने वाले बनना चाहते हैं। हम अपने पुराने जीवन से बाहर निकल के आपके अंदर, आपके दिए हुए मार्ग पर चल के आपके वचनों पर चलना चाहते हैं। हम आपके वचनों पे चलने वाले बने, आपकी बातों पे मानने वाले बने। हम आपको अपना समर्पण
पूरे हृदय से देकर चलने वाले बहने से हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस वचनों को तो परमेश्वर आशीष कर। आमीन।